अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हाज़िर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो पूरी देखें। तो दोस्तों, ओमान एयर 1 अप्रैल यानी आज से सऊदी अरब रियाज के लिए परवाज़ें शुरू कर रहा है, जिसकी हर हफ्ते में तकरीबन 4 परवाज़ें चलेंगी। एयरलाइन ऑलरेडी दमाम के लिए बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ चंद दिन पहले कर चुका है, जो कि हफ्ता में 4 परवाज़ें चल रही हैं। एयरलाइन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ओमान एयर सफ़र के तमाम अनासर में अपने जामे हिफाजती प्रोग्राम को बरकरार रखेगा, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि मेहमान इतमाद से उड़ान भर सकें। ओमान से रवाना होने वाले मेहमानों को भी ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि वो परवाज़ों के दौरान रवानगी से कबल तमाम ज़रूरियात और शराइत से वाकफ हों। तो दोस्तों, दूसरी और अहम खबर यह है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक या चोरी हो सकता है, इसके लिए वेब बीटा इन्फो ने आगाह कर दिया है, जो कि व्हाट्सएप की मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, आलमी सतह पर मकबूल तरीन मैसेजिंग एंड ऑडियो वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप ने सार्फिन को अकाउंट चोरी होने से मुतल्लिक व्हाट्सएप के टेक्निकल ग्रुप वेब बीटा इन्फो की जानब से व्हाट्सएप सार्फिन को अकाउंट चोरी होने से मुतल्लिक खबरदार किया गया है। वेब बीटा इन्फो के मुताबिक सार्फिन को व्हाट्सएप की जानब से कुछ ऐसे पैगाम मौसूल हुए हैं, जिनमें उन्हें तस्दीक के लिए एक मखसूस कोड भेजना होता है। वेब बीटा इन्फो ने बताया है कि इस कोशिश के दौरान सार्फ को एक पैगाम मौसूल होता है, जिसमें कहा जाता है कि व्हाट्सएप की जानब से भेजे गए कोड के ज़रिए साबित कीजिए या फिर आपका अकाउंट गैर फ़ाल कर दिया जाएगा। तहम व्हाट्सएप हुकाम का कहना है कि वो ऐसा कोई भी मैसेज सार्फिन को नहीं भेज रहा, इसलिए सार्फिन अपने अकाउंट को महफूज रखने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन के फीचर को इस्तेमाल करें। वेब बीटा इन्फो की जानब से मज़ीद बताया गया है कि 6 हिंसों का कोड तलब करने वाले अकाउंट्स ब्लॉक या रिपोर्ट करें। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप सपोर्ट की जानब से आपसे कभी भी 6 हिंसों का कोड तलब नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।